हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? लास्ट क्लास में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट कर चुके थे एंड उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। ऑलमोस्ट सारी ही देख ली थी, बस कुछ चीज़ें और बाकी जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी। तो लेट अस स्टार्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो होमोजेनस पेयर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है ना, ये भी मतलब एज अ फार्मूला ही याद रखना पड़ेगा आपको भाई, ठीक है ना। जैसे होमोजेनस पेयर ऑफ लाइंस, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, राइट। ये चीज़ है। अगर कोई बोले कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लाइंस या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लाइंस, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये किसकी है? बाइसेक्टर लाइंस। ये तो दिख रहा है, ये भी पेयर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है ना, और ये भी पेयर ऑफ लाइंस हैं। तो इसमें जो लाइंस हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसमें जो लाइंस हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो में, ठीक है ना, दो लाइंस हैं, उसके जो बाइसेक्टर लाइंस की इक्वेशन होगी दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा कैसे आ सकता है। दोनों ही तरीके कि एक तो मतलब जो मेहनत कर रहे होंगे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि उसमें जो दो लाइंस हैं हमने ऐसे लिखी थी, वाई इक्वल टू एम ऑन एक्स, वाई इक्वल टू एम टू एक्स, और याद है तो हम लोग कंबाइंड पेयर कैसे लिख सकते हैं, एम वन एक्स माइनस वाई और एम टू एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये तो इसमें लाइंस वाली हैं। इसके जो हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बाइसेक्टर्स को, लाइक दिस, प्लस माइनस एम टू एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम टू स्क्वायर। ये समझ में आया ये क्या है? ये बाइसेक्टर लाइंस है इसमें जो है, और हम लोग को पहले से रिलेशन ये पता है, एम वन प्लस एम टू इक्वल टू कितना था, माइनस टू एच बाई बी, और एम वन एम टू इक्वल टू क्या था, ए बाई बी। तो इसमें जो दो लाइंस हैं वो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे ही लिखो ना, एम वन एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम टू एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम टू स्क्वायर, एक तो ये आएगा और दूसरा क्या आएगा, एम वन एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम वन स्क्वायर। और फिर क्या आएगा, माइनस एम टू एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम टू स्क्वायर। और फिर दोनों को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। समझ में आएगा, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एम वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एम वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम वन स्क्वायर, और माइनस एम टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम टू स्क्वायर। इसके आगे मैं छोड़ दे रहा हूँ कि इसके आगे बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ जहाँ एम वन प्लस एम टू आएगा उसको आपको रिप्लेस करना है माइनस टू एच बाई बी के साथ, और एम वन एम टू को किससे रिप्लेस करना है, ए बाई बी के साथ। आप देख सकते हो कि जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसमें टर्म्स बनेंगे, लाइक वन के साथ आएगा एम वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही आएगा वाई स्क्वायर, इधर वन के साथ इस तरफ भी आएगा, समझ में आएगा। तो आपको बस वही एम वन प्लस एम टू और एम वन एम टू को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या सोच सकते हैं कि जो उसमें दो लाइंस हैं मान लीजिए कि इस तरीके से कोई दो लाइंस थी, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, उसमें ये दोनों लाइंस थी, वाई इक्वल टू एम वन एक्स, किसी भी एंगल पे मान सकते हैं, आपकी इच्छा जो पड़े वो कर लीजिए, और इसके दो बाइसेक्टर्स थे और उसके कंबाइंड पेयर की हमको इक्वेशन लिखनी थी।
तो ये तो 90 डिग्री पे होएगा ही होएगा। तो इसी का कंबाइंड पे लिखना है, तो मैं इस पे एच कॉमा के मान लूँ चाहे इस पे एच कॉमा के मान लूँ, आप फाइनली देखोगे इक्वेशन में कोई अंतर ऐसा नहीं आएगा। तो इस पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया एच कॉमा के, और ये लाइन का इंक्लिनेशन थीटा वन मान लिया, तो यानी एम वन कितना हो गया टेन थीटा वन। और ऐसे ही हम लोगों ने इसका इंक्लिनेशन थीटा टू मान लिया, तो एम टू क्या हो गया दोस्त टेन थीटा टू, इसको थीटा टू मान लिया मैंने। तो ये जो एंगल अब यहाँ पे आ रहा है भाई साहब, ये थीटा वन था, ये थीटा टू था, ठीक है ना। तो ये एंगल मैं क्या लिखूँ, पूरा पूरा एंगल थीटा टू माइनस थीटा वन, और ये बाइसेक्टर है भाई साहब। तो ये जो आधा एंगल होगा दिस इज थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टू होगा। सोचिए ना प्लीज, सोचिए, देख रहे हैं, नहीं समझ में आए दोबारे सुन लीजिएगा वीडियो को। थीटा टू थीटा वन, ये जो एंगल होगा थीटा टू माइनस थीटा वन, ये बाइसेक्टर है बीच में जो ब्लैक वाला है, तो ये हो जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। तो ये बाइसेक्टर यहाँ से कितने एंगल पे है, टोटल एंगल, ठीक है ना, इंक्लिनेशन का। तो हम लोग थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टू और प्लस थीटा वन पे, यानी बाइसेक्टर है कितने पे, थीटा टू प्लस थीटा वन बाई टू। यानी कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस बाइसेक्टर लाइन, तो दिस इज टेन ऑफ थीटा टू प्लस थीटा वन बाई टू एंड दैट इज के बाई एच। सोच लो एक बार, अब सोचो के बाई एच कैसे है, टू पॉइंट फॉर्म से जीरो जीरो और एच कॉमा के उसके ऊपर है, तो उसका स्लोप आ जाएगा के बाई एच। और थीटा टू प्लस थीटा वन बाई टू मैंने बताया, बाकी अगर नहीं समझ में एक बार और सुन लीजिए, पेन चलाइएगा। अब इसको हटाना भी तो पड़ेगा ना, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं हम लोग को पता है ना क्या, टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू, ये तो पता ही है अपन को। बोलो कितना है, एम वन प्लस एम टू ही है ना ये, और टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू, एंड दिस इज ए बाई बी। अच्छा मैंने क्या थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि इसको h कॉमा k की जगह अपन कुछ और ही मान लें यार, क्योंकि h तो यूज़ हो रहा है इसमें। इस पॉइंट को आप अल्फ़ा कॉमा बीटा मानिए भैया, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। और यहाँ भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं भाई साहब, बीटा बाई अल्फ़ा। अच्छा तो ये अगर दो रिलेशंस मुझे पता हैं, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट टेन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। वॉट इज टेन थीटा वन प्लस थीटा टू, इन दोनों का सम दैट इज टू एच बाई बी और होल अपॉन वन माइनस टेन थीटा वन टेन थीटा टू दैट इज ए बाई बी। और यहाँ से भी आप टेन थीटा वन प्लस थीटा टू निकाल सकते हैं डबल एंगल। तो यहाँ से टेन थीटा वन प्लस थीटा टू इज टू टाइम्स टेन ऑफ हाफ द एंगल दैट इज बीटा बाई अल्फा और अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू दिस। तो दिस इज गोइंग टू बी टू अल्फा बीटा, एलसीएम लेके देख लीजिएगा ऊपर नीचे, और नीचे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो व्हाट आई कैन सी इज कि ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो टू एच अपॉन बी माइनस ए आर है, पता नहीं सही है गलत, देखिए। ठीक ही लग रहा है ना भाई साहब। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों को अपन बराबर कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा टू अल्फा बीटा, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार कुछ, ये बी माइनस ए है भैया, ये माइनस बी है। ये तो मैंने ठीक ही लिखा ना, थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू और प्लस जो नीचे वाला एंगल है ये तो ये है और प्लस ये है, तो ये ठीक ही लिखा है शायद मैंने तो। और इसका स्लोप हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, ये भी सही लिखा है। और इसका हो जाएगा टू टेन ऑफ थीटा टू प्लस थीटा वन बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन बाई टू, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और इधर आएगा टू एच अपॉन बी माइनस ए। और एक्स वाई रखेंगे, ये तो टू तो कट ही जाएगा, तो ये xy अपॉन h
ये कुछ गड़बड़ तो हो रहा है यार। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए आ रहा है। हमने तो ए माइनस बी निकाला था ना यार, ये नहीं लग रहा कहीं ये तो गड़बड़ नहीं है। ये रिजल्ट जो मैंने लिखा है, मुझे लग रहा है ये रिजल्ट ही गड़बड़ है। मैंने अभी क्या लिखा था रिजल्ट ऊपर? ये प्लस नहीं आएगा शायद ये दोस्त। ओ नाउ ये माइनस आएगा यार, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, वही मुझे लगा है, पता नहीं क्या हो गया। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं ना भैया, 2h अपॉन a माइनस b। अब ठीक है ना, अब ठीक है, अब ठीक। तो हमने कि ये दिस इज 2h अपॉन a माइनस b, तो बस हो गया, ये 2 कट जाएगा। और एक्स वाई अपॉन एच इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, अभी दिख जाएगा, रुक जाइए। वही लग रहा था कुछ लफड़ा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? एक्स वाई अपॉन एच। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप बाइसेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन। इसमें मान लीजिए कि एक 2 डिग्री कर्व है, लेट देयर बी ए 2 डिग्री कर्व। ये कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना? और 2 डिग्री कर्व जैसे ये चीज जो है ना, अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अंडर सर्टेन कंडीशन यही सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स सब रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये एंटायर 2D है सिंगल लाइन में। कैसे है ये अपन जब कॉनिक सेक्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे, बट अभी तो मेरी बातों से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लेंगे दिस इज़ ए 2 डिग्री कर्व, और हम लोग बोलेंगे क्या कि ये सब कुछ ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसको 2 डिग्री कर्व बोला है, मतलब सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? एंड स्ट्रेट लाइन है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। पर्पस इज टू फाइंड द कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस, ये दोनों कर्व्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें, टू फाइंड द कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इसको एल से डिनोट कर देते हैं, ऑफ एस इक्वल टू जीरो एंड एल इक्वल टू जीरो एंड ओरिजिन, ठीक है। ये तो इंग्लिश में लिख दिया है तुम्हारे लिए। बाकी मैंने क्या कहा कि एक कर्व दिया हुआ है 2 डिग्री का और एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, समझ में आ गया? और हम लोग को कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस बतलाना है, किसके थ्रू बतलाना है? थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस लाइन, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस लाइन एंड ओरिजिन, कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस बतलाना है। तो अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं दोनों कर्व को सॉल्व कर लूँगा, ये कर्व सॉल्व कर लूँगा, उससे जो पॉइंट आएगा फिर मैं ओरिजिन से लिख लूँगा। तो हाँ बेटा ये कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, ठीक है ना? लेकिन आप खुद ही सोच लो, अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हो तो ये काफ़ी लेंदी चलेगा। तो वी विल हैव टू लुक अपॉन सम अल्टरनेटिव वे, राइट? तो हम लोग पहले तो इस मेथड में मान रहे हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तभी हम ये सब काम कर पाएंगे, सही है क्या? मतलब वो चेक करके देखना पड़ सकता है, हो सकता हो कि आपको
वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स रखना पड़े और फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़े। खैर अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें क्या निकालना है, कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है ना, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एंड द ओरिजिन। तो जैसे मान लो कि कोई ऐसा कर्व है एंड देयर इज सर्टेन लाइन, और हम लोग को जो इक्वेशन निकालनी है हमें इसका और इसका कंबाइंड पेयर निकालना है। बात आ रही समझ। करना क्या, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पर्पस क्लियर है, ठीक है ना, जिंदगी क्लियर हो चाहे नहीं हो, यहाँ पे क्लियर है क्या, यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, एक कर्व है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जैसे मैंने बोल दिया पी और इसको मैंने बोल दिया क्यू, और ये ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, सही है क्या। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम लोग को ये कंबाइंड पेयर जो लाल वाला दिख रहा है ना, ओ पी और ओ क्यू, इसकी कंबाइंड पेयर की इक्वेशन निकालनी है। तो एक तरीका मैंने क्या बोला कि बच्चों के मन में हो सकता है कि इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट्स आएंगे और ओरिजिन अपन को पता ही है तो उसके हिसाब से लिख लें। तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों कर्व को सॉल्व करना अपने आप में काफ़ी वो होने वाला है। और एक चीज़ और आप भी समझिए कि कभी कभी क्या होगा कि इसमें कोई अननोन घुसेड़ देगा, इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ डाल देगा, समझ में आएगा, और फिर बोल देगा जैसे मान लो कि ये कंबाइंड पेयर ऑफ लाइन जो है यहाँ पे 90 बना रही हैं, तो उस केस में तो आप फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? नहीं, गुड। मैंने क्या कहा कि इसमें कोई एक सिंगल अननोन घुसेड़ देगा के, इसको पूरा नोन भी रहने दे सकता है, या इसमें भी के का मात्रा हो सकता है प्रेजेंट हो, जैसे हमारी बॉडी में भी है, ठीक है ना। तो देख लेना, हो सकता है दोनों में के हो सकता है किसी एक में के हो। क्वेश्चन ये कह देगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये जो जॉइंट पेयर ऑफ लाइंस हैं इसके बीच का एंगल 90, ऐसा बोल देता है, बहुत बार बोलेगा, समझ में आ गया। आपको हो सकता हो एक बार भी समझ में नहीं आए कि कैसे करना है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो धुआंधार हर बार सॉल्व कर देंगे, समझ में आएगा। तो इट ऑल डिपेंड। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम फिर इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाली अवस्था में होंगे क्या? नहीं। कैसे सॉल्व करना है वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरा बस ये पहला पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है आपको समझाना कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी कि हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ही ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, समझ में आएगा। और दूसरी बात, कभी कभी सही में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जस्ट बिकॉज कि कोई एक अननोन दोनों में है तो उसकी वजह से नहीं निकल पाएगा, या अननोन के टर्म में तुम निकालने की कोशिश करोगे, जो अगेन वेरी चैलेंजिंग काम है, समझ में आएगा। तो हम दूसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं। पहले तो मैं बतलाता हूँ कि इस मेथड में करते क्या हैं, और दूसरी बात फिर अब उसके बाद करेंगे कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस जिसके कारण वो वर्क कर रहा है, समझ में आएगा। तो दो बातें करेंगे, पहले तो प्रोसेस होमोजेनाइजेशन का देख लेते हैं, एटलीस्ट किसी को लॉजिक नहीं भी समझ में आए कम से कम वो होमोजेनाइज करके आंसर निकाल ले, और फिर हम उसके लॉजिक्स के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, समझ में आएगा। करना क्या होता है कि ये जो दो कर्व्स हैं हमारे को तो पता ही है, एक तो ये हो सकता हो किसी को लगे कि बड़ा उटपटांग सा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि जनरली जनता को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उनको उटपटांग ही लगता है, ठीक है। और ये लाइन है भाई साहब, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस लाइन की मदद से, ठीक है ना, इस कर्व को होमोजेनाइज कर दूँगा। अब बोलोगे होमोजेनाइज कर देंगे मतलब हर एक टर्म को 2 डिग्री का बना देंगे, जैसे ये 2 डिग्री का तो है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सब एक एक डिग्री और ये 0 डिग्री का है तो इसको 2 डिग्री का बनेंगे। लॉजिक क्या है बात कर लेंगे, ठीक है। करते कैसे हैं इस लाइन की मदद से इसको होमोजेनाइज, देखिए इसको कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाइए, अब कोई पूछ सकता है कि सर कांस्टेंट टर्म ना हो तो क्या करेंगे इस तरीके से, तो भाई जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो ये खुद ही लाइन पास कर जाएगा ओरिजिन से, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा उस तरह की बात होगा, समझ में आ रही बात, सोचो ना यार। तो हम ले लेंगे क्या कि कांस्टेंट टर्म को हम क्या ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, और फिर कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1, समझ में आई बात। पहला स्टेप क्लियर किया आपने, लेवल 1 आपने क्लियर किया। लेवल 1 में क्या किया हम लोगों ने, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में भेजा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कांस्टेंट टर्म ना हो, तो मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं तो फिर ये लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगी, फिर यहाँ से ज्वाइन करने वाले लाइन का मतलब नहीं, खुद ही लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर कांस्टेंट से डिवाइड करके यहाँ से इस तरीके से इवैल्यूएट कर लिया 1 को, मतलब ये आप समझना, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं क्या कि इसकी मदद से हम इसको होमोजेनाइज कर रहे हैं, तो मैं कैसे लिखने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, कैसे वर्क करेगा उस पर बात करेंगे बाद में, बट अभी पहले होमोजेनाइजेशन पर बात कर रहे हैं।
इनको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, इन दोनों की डिग्री एक एक कम है, तो इसको लिख लो 2gx into 1 और 1 की जगह ये डाल दो। जैसे ही मैंने 1 की जगह ये डाला, सोचना ध्यान से, हेलो बोलेंगे दिस आई कैन राइट इट्स 2gx into 1 और इस 1 की जगह मैंने यहाँ पे उठा के lx+my/n रख दिया। ऐसे ही इसको हम लोग लिख सकते हैं 2fy/(1), एक ही डिग्री चाहिए इसको, ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा इसको मत दे देना। लेकिन इसके बाद वाले को 2 डिग्री चाहिए दोस्त, तो c(1) नहीं लिखेंगे फिर, c(2) क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर। हो सकता हो नहीं दिख रहा हो, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए ध्यान से, ये किया मैंने। अब बोलोगे सर ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ हो गया, सुनो पहले अस्थिर से सुनो, ठीक है ना, जिंदगी में कुछ सीखना है ना तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। हम लोग बोलेंगे सब 2-2 डिग्री के टर्म्स हैं, सब 2-2 डिग्री के टर्म्स हैं। अब बोलोगे इसमें तो ये भी 2 डिग्री का टर्म है, 2gx into lx, ये 2 डिग्री का है, 2gx into my, ये भी 2 डिग्री का है। पहले तो फील करो, पहले 2 डिग्री देखते, +2 डिग्री, फिर इसमें भी l² x² + m² y² और +2lmxy। आपको सबसे पहली चीज़ फील आई क्या साहब, कि ये सब के सब टर्म्स जो हैं सब में x एंड y के पावर्स का सम 2 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ होमोजेनस इक्वेशन। इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ होमोजेनस इक्वेशन, तो कैन आई से कि दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू होराइजन। क्या कह सकते हैं ऐसा कि दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बात समझिएगा कि अगर होमोजेनस इक्वेशन है 2 डिग्री का, अगर ये होमोजेनस इक्वेशन है 2 डिग्री का, तो डेफिनेटली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करेगा ना, इससे कोई रोक नहीं सकता। अब हमारा क्लेम है कि ये यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं, मतलब अब हमारा क्लेम, अब नेक्स्ट, यहाँ तक तो कोई क्लेम सिंपल ही था कि हमने जब ये सब काम किया, ठीक है, तो ये जो बना, ये जो फाइनली इक्वेशन यहाँ बन के तैयार हुई है, ये तो होमोजेनस पेयर ऑफ लाइंस है। नहीं, हमेशा ये कीजिएगा तो ये कोई कर्व डिनोट करेगा ना, मतलब अरे यार कुछ भी करोगे, जैसे lx+my = -n - n से डिवाइड करोगे और जब ये सब रख दोगे 1 1 स्क्वायर करके, तो ऑफकोर्स ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। अब क्लेम मेन आ रहा है क्या, कि ये यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने बहुत क्लियरली प्रूव कर दी आपको कि ये ओरिजिन से तो पास करेगा ही, क्योंकि होमोजेनस पेयर ऑफ लाइंस है, तो ओरिजिन वाला पॉइंट तो मेरे दिमाग में अब ज़्यादा चल नहीं रहा, तो हम बस प्रूव कर देंगे क्या कि इस कर्व के ऊपर पी पॉइंट लाई कर रहा है, हो जाएगा क्या काम। नहीं, जैसे कि हमने मान लिया कि पी का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा लाइन पे भी है, कर्व पे भी है। अगर अल्फा बीटा इस कर्व पे है, तो आई कैन सेफली से कि a² + 2h(α β) एंड +b(β² + 2f β और +c=0, देख लीजिएगा ध्यान से, समझ में आ रहा है क्या। और दूसरा l α + m β, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के क्रोस्पॉन्डिंग ये कर्व ज़ीरो हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ये कर्व ज़ीरो हो रहा है, ये कर्व ज़ीरो हो रहा है अल्फ़ा बीटा के क्रोस्पॉन्डिंग, तो अल्फ़ा बीटा के क्रोस्पॉन्डिंग अगर मैं इसको चेक करूँ कि इसकी स्थिति क्या हो रही है, तो भाई साहब देखिए ना, a² 2h(β), b² 2g(α), हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया क्योंकि उनको सीखना ही नहीं है, ठीक है ना, आप चिंता ही नहीं कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मतलब आपका माइंड वैसा ही चल रहा है, ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की जा रही हैं, उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो फिर यार गॉड ब्लेस यू, और कुछ नहीं कह सकता मैं, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा बीटा जो है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, ये अल्फ़ा बीटा के कोरस्पॉन्डिंग जीरो होगा। कोई दुनिया में दूसरा पॉइंट है ना यहाँ पे गामा डेल्टा, तो इस गामा डेल्टा के लिए ये कर्व नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, क्योंकि गामा डेल्टा इस पे लाई नहीं कर रहा है, गामा डेल्टा के लिए ये चीज़ जीरो नहीं होगी, जो पॉइंट उस पे लाई कर रहा होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग ये चीज़ हो रही होगी, ठीक है ना। तो उस फर्क को भी महसूस कीजिएगा, ऐसा नहीं कि तो हर एक अल्फा बीटा के लिए हो गया सर, तो बेटा अगर आप
उस लेवल पे हैं तो फिर क्या कर सकता हूँ, उठाइए लेवल और तो क्या बोल सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग बोले एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन इज ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो हो रहा होगा, क्यों ज़ीरो हो रहा होगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो है दोनों ही कर्व पे लाई कर रहा है। अच्छा, अगर ये ज़ीरो होगा तो उस अल्फ़ा बीटा के लिए ये भी तो क्लियर है ना कि एल अल्फ़ा प्लस एम बीटा अपॉन माइनस एन वन हो रहा होगा उस अल्फ़ा बीटा के लिए। तो मैंने जब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा रख के चेक करने की कोशिश करी मेरे दोस्त, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा रखता गया, तो जब मैं अल्फ़ा बीटा इसमें रखूँगा तो तुम फिर से सोचो कि जब अल्फ़ा बीटा आपने रखा सर तो ये वाली चीज़ तो वन हो जाएगी ना, क्योंकि एल अल्फ़ा प्लस एम बीटा अपॉन माइनस एन वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये तो घुल गया ना चक्कर में, पानी की तरह गायब हो गया ये एल अल्फ़ा प्लस एम बीटा अपॉन माइनस एन। मैंने इसमें अल्फ़ा बीटा रख रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, मैं इसमें अल्फ़ा बीटा रख कर चेक कर रहा हूँ कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो जैसे ही मैंने अल्फ़ा बीटा पूरी इक्वेशन में रखा तो ये तो बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है ना, शक्कर की तरह बिल्कुल घुल गया ये तो भाई साहब पानी में। तो बचा क्या, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू एच अल्फ़ा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस टू जी अल्फ़ा प्लस टू एफ बीटा प्लस सी, यही तो बचा और वो भी तो ज़ीरो ही है। यानी क्या अल्फ़ा बीटा रखने पे आपने ये फील किया कि ये जो पूरी इक्वेशन की वैल्यू आ रही है ये किसके बराबर आ रही है, ज़ीरो। तो अगर पूरी इक्वेशन की वैल्यू भाई साहब ज़ीरो आ रही है अल्फ़ा बीटा रखने पे, तो बच्चे की जान लोगे क्या, फिर तो ये कर्व जो है ये अल्फ़ा बीटा से पास कर गया ना। तो अगर ये कर्व अल्फ़ा बीटा से पास कर गया और ये पहले से ओरिजिन से पास कर रहा था नहीं, और ऐसे ही अगर आप इसको गामा डेल्टा या सपोज कर लो यू और वी मानो, समझ में आ गया, तो यू और वी भी सिमिलरली जैसे हमने पी के लिए प्रूफ किया वैसे क्यू के लिए यू और वी भी प्रूफ कर सकते हैं कि उस इस कर्व पे लाई करेगा, समझना ध्यान से। तो अब बात समझिएगा, तीन बातें बोलूँगा, पहली बात कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी बात ये ओरिजिन से पास कर रहा है, और तीसरी बात इसको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हो गया ना भाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एस इक्वल टू जीरो एल इक्वल टू जीरो। बस मेरे हिस्से का इतना ही था, बाकी इसको 10 बार सुन के समझिए, 1 बार सुन के समझिए, पहले से आता हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझिए तो बतला दिया तरीका क्या है, ठीक है भाई साहब, लिखिएगा तो लिख लीजिए। और बताओ, हेलो, लिख लिया सबने, चलें आगे बढ़ें, कुछ सवाल ववाल करें, और तो कुछ नहीं बच गया ना। बाकी मेरे ख्याल से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसा कुछ खास तो नहीं है, अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली है, एंगल एंगल का बता ही दिया था, बाइसेक्टर हो ही गया, ये हो ही गया। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस करके ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, फिर सर्कल स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। फाइंड द कंडीशन अंडर विच फाइंड द कंडीशन अंडर विच एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इक्वल टू जीरो represents three lines two of which are at right angles। ठीक है, करके देखिएगा, पॉज कर करके देखते जाइएगा, ठीक है ना। तो वैसे तो हम लोग बोलेंगे कि तीन लाइंस तो ये रिप्रेजेंट करेंगी होमोजेनस लाइंस हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें हम लोगों ने जैसे उसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था, इसमें डिवाइड बाई एक्स क्यूब कर लो, जीरो जीरो तो डेफिनेटली इस पर सेटिस्फाई करेगा ही, तो एक्स वाई जीरो जीरो अपन हटा ही देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये
ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा, डी इंटू वाई बाई एक्स क्यूब प्लस सी इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई बाई एक्स। और मैंने पहले ही बताया था ये वाई बाई एक्स बन रहा है, मतलब ये एम में क्यूबिक बन रहा है, ये वाई बाई एक्स ही स्लोप है लाइन का, नहीं वो जो तीन लाइन से हैं वाई बाई एक्स ही स्लोप है। तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो उसके रूट्स एम वन एम टू एम थ्री होंगे, जैसे पहले भी माना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पुराना जो डिस्कशन था उसको दोबारा से देखिएगा। अब बोल रहे हैं कि इसमें तीन लाइन्स जो हैं उसमें दो लाइन परपेंडिकुलर हों, तो जैसे एम वन एम टू एम थ्री यहाँ से लिख सकते हैं अपन, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए बाई डी। और अगर इसमें दो लाइन्स परपेंडिकुलर है मान लो एम वन और एम टू वाली, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया माइनस वन, तो यहाँ से एम थ्री क्या आ जाएगा ए बाई डी। तो हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है, तो एम थ्री इसका रूट ही है, तो अगर इसका रूट है तो एम थ्री इसको सेटिस्फाई करने वाला है, और सेटिस्फाई करेगा वही कंडीशन आपका जनरेट कर देगा। हम लोग कंडीशन क्या आ जाएगी फिर, डी इंटू ए क्यूब अपॉन डी क्यूब, बोलो सबने निकाल लिया होगा मेरे ख्याल से, सी इंटू ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए बाई डी और प्लस ए इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लीजिए मेरे ख्याल से, तो ए क्यूब, अच्छा एक ए भी कट जाएगा, अच्छा तो ए स्क्वायर प्लस सी ए, चेक कर लेना यार, प्लस बी डी और प्लस ए तो जा ही चुका है डी स्क्वायर, शायद कुछ ऐसा बनना चाहिए, देख लो भाई। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड कंडीशन, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों कैसे होंगे परपेंडिकुलर। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन अदर पेयर देन प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू माइनस वन। ठीक है तो करिएगा, बाकी मैं करके देखता हूँ। तो बोल रहे कि इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन अदर पेयर, तो बोलो बहुत क्लियर बोल रहा है ये, ठीक है ना। बाकी अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर अलग बात है, मतलब बोला है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है वो इसको बाइसेक्ट कर रही हैं और ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का बाइसेक्टर है। इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन अदर पेयर, मतलब ये इसके बाइसेक्टर है ये इसके बाइसेक्टर है, यानी कि अगर मैं अपने कॉमन सेंस के हिसाब से इसके बाइसेक्टर्स लिखूं, सुनना, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका बाइसेक्टर मेरे हिसाब से क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, अभी जो पढ़ाया मैंने, अभी पढ़ाया ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो के बाइसेक्टर्स लाइंस की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी दैट इज टू इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, तो भाई साहब टू एच एक्स वाई होता है हमारे में, तो यहाँ माइनस भी हो जाएगा। तो मैंने कहा साहब कि इसका बाइसेक्टर ये है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बाइसेक्टर तो ये है, और झूठ कोई नहीं बोल रहा नहीं। तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखिएगा, तो एक्स स्क्वायर टू को इधर ही ले जाइए आप, नहीं, और इसको इधर लेगा, तो मेरे ख्याल से प्लस टू एक्स वाई अपॉन पी माइनस वाई स्क्वायर। तो अपन कह रहे हैं कि इसका बाइसेक्टर ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है, झूठ कोई नहीं बोल रहा, और ये देखना ये दोनों टर्म सेम है दोनों में, तो ऑफकोर्स इसको भी सेम होना पड़ेगा, मतलब माइनस टू क्यू इक्वल टू टू बाई पी एंड दैट गिव्स यू पी क्यू इक्वल टू माइनस वन, और लास्ट में वही दो गोल्डन सब हेंस प्रूव। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पेयर थ्रू द पॉइंट टू कॉमा थ्री एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स 3x² माइनस 8xy प्लस 5y² इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो इसमें बोल रहे हैं क्या है कि 2,3 से और इससे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप करके देखिएगा खुद से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखिएगा कि इसमें जैसे दो लाइन तो अपन निकाल ही लेंगे, तो अलग लगे 3x कॉमन होने के बाद अंदर x माइनस वाई बचेगा और माइनस 5y कॉमन होने के बाद फिर से x माइनस वाई बचेगा। तो एक तो क्या है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन, तो एक तो 3x माइनस 5y वाली लाइन है और x माइनस वाई वाली लाइन है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी 5x प्लस 3y, और साथ ही साथ वो 2,3 से पास करेगा, तो उसको आप लैम्डा 1 बोल दीजिए, और ऐसे ही x प्लस वाई प्लस लैम्डा 2। अब ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो मेरे ख्याल से 2,3 रखिएगा तो 10 और 3×3 9 19 हो जाएगा शायद। तो 5x प्लस 3y माइनस 19 इक्वल टू 0, पता नहीं देख लेना यार, और 3×2 5 तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और वो आपका कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन में रिप्रेजेंट होगा। बाकी जो बच्चे समझदार हैं उनको पता होगा कि इसका स्लोप जैसे y बाई एक्स से आता है, y बाई एक्स से ही आएगा ना, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो मैं y बाई एक्स की जगह माइनस एक्स बाई वाई कर देता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर है नहीं, तो m1 m2 माइनस 1 होता है, m1 m2 माइनस 1 होता है ना परपेंडिकुलर के लिए। तो इस वाले इक्वेशन में जो दोनों लाइन से उसका स्लोप है y बाई एक्स, तो m1 मान लो y बाई एक्स है तो m2 क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई। यानी यहाँ जो y बाई एक्स वाली इक्वेशन थी, सोचना एक बार, तो अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो आप y बाई एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स बाई वाई, यानी कि वो ऐसा बन जाएगा। नहीं समझ में आया बेटा, बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि मुझे पता है कि सबके अपने अपने कैपेबिलिटीज़ होती हैं। आपकी कैपेबिलिटी अगर यहाँ नहीं पूरी हो रही है तो आप ये वाले मेथड से कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैपेबिलिटी रेज करना चाहते हैं तो ज़रूर इसके पीछे पड़ जाइए, और उसके पीछे पड़ने के लिए मास्टर के पीछे नहीं पड़िए, इस चीज़ के पीछे पड़िए, समझ में आएगा तभी सीख पाइएगा, क्योंकि मास्टर तो बेचारा इतना ही बोल पाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 3 + 8 × x / y प्लस 5 × x / y का होल स्क्वायर, वो बस दिखा सकता है मास्टर कि भाई ऐसा भी एक तरीका होता है। अब बहुत सारे बच्चे खुद भी सोच लेते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ मास्टर ही सोच पाते हैं, ये चीज़ देख लीजिए आप। ठीक है, अभी मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अभी आपको लिख के बस दिखला रहा हूँ। तो ये 5x² प्लस 8xy और प्लस 3y² हो गया, लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल था कि इसके परपेंडिकुलर, अच्छा इसके परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ओरिजिन आ गया, इसके परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू ओरिजिन तो आ गया, लेकिन हमको बोल रहा है 2,3 से पास करने वाला, तो 2,3 से पास करने वाला तो हम बिल्कुल शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट से चल लेना, शिफ्टिंग की फील है ना, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर 2,3 से पास कर रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। अब आपको फील आई कि ये जो कर्व मैं लिखने वाला हूँ, एक तो ये 2,3 से पास कर रहा हूँ, पहला चीज़ ये फील आया, पहले तो ये फील ले लो कि ये जो मैंने कर्व लिखा है ये 2,3 से पास होगा, और दूसरा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं ये दूसरा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि 2,3 रखा है मैंने, तो शिफ्टिंग ही तो किया ना, मतलब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ये भी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ में आई कि ये जो भी मैंने लिखा है ये एक पेयर ऑफ लाइन है जो कि 2,3 से पास कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि इसका जो y बाई एक्स था उसका मैंने यहाँ माइनस x बाई वाई कर लिया है,
बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही चीज़ आ रही होगी, समझ में आएगा। तो मैं इसको एक लाइन में इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकता था, क्योंकि मुझे फील है कि अगर ये वाई बाई एक्स वाला है तो मैं माइनस एक्स बाई वाई रखूँगा, तो मुझे लग रहा है कि स्क्वायर टर्म्स है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस एक्स बाई वाई रखने पर बस इस पर फर्क पड़ेगा, यहाँ जो बीच में माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा, और प्लस रहता तो माइनस, क्योंकि इस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है। तो जो मेरी बात को समझ रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा, और ये इंटरचेंज हो रहे होंगे, देखिए यहाँ 5 और 3 इंटरचेंज हो रहे हैं और बीच वाले का साइन चेंज हो रहा होगा, और 2.3 से पास कर रहा है तो ये ठीक है ना। इफ़ इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट छोड़ देना, इसको कर लेना, जो नरम नरम चीज़ है वही खाएं, ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए एसिडिसिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाकी सुन लेना दो तीन बार, कभी कभी समझ में भी आ जाता है यार, मतलब क्या बोलूँ, खुद से मेहनत करना तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि पूछ पूछ के आ जाएगा। जितना बताने वाली चीज़ थी बतला दी गई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर, ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व ऑल्सो फाइंड the angle between them. Between these two lines. तो बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हो सकता है कुछ बच्चे फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में लग जाए, लेकिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है उनको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। हमें यहाँ से होमोजेनाइज करना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ से 2x माइनस वाई अपॉन 3 निकाल लीजिए एंड दैट इज़ 1। बाकी आप लोग समझदार हैं कहाँ कहाँ 2 डिग्री लगाना है और कहाँ कहाँ 1 डिग्री लगाना है। तो मैं इसको एक साथ ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। तो दिस इज़ 3x माइनस 6y, तो दैट इज़ x माइनस 2y टाइम्स 3, और इसको एक ही डिग्री चाहिए, तो 2x माइनस वाई अपॉन 3। किसी को लग रहा हो कि मुझे ये नहीं समझ में, बेटा आप 3x को इससे मल्टीप्लाई कर लेना, 6y को इससे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको कॉमन लेके लिख लेना, ठीक है सर, परेशान मत होना बस, ठीक है ना। खुद पेन चलाओगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आ सकती हैं वो सब समझ में आ जाएंगी। ये हो गया वही इक्वेशन जो हमें चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई साहब। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 3 तो उड़ ही रहा है, तो प्लस 2x स्क्वायर मेरे ख्याल से और माइनस 5xy शायद और प्लस 2y स्क्वायर, चेक कर लेना एक बार। 3 × 9 18, तो 2 बार में जाएगा और इधर आएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy, चेक कर लीजिए। और ये 8x स्क्वायर 10x स्क्वायर 11x स्क्वायर 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर 3y स्क्वायर, पता नहीं सही है गलत, कैलकुलेशन चेक कर लेना खुद से। माइनस मतलब सब चीज़ के लिए डिपेंड मत हो जाना, माइनस 6xy और माइनस 8y माइनस 14xy। अब बोल रहा है इसके बीच का एंगल, तो tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी और ए प्लस बी का जो भी है मॉड, तो ये माइनस 3 हो जाएगा शायद, ए प्लस बी तो मुझे लग रहा है, ना 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 ना, ये अलग अगल 14 हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर तो ये 7 हो जाएगा, तो 49 माइनस 33 9 + 3 का कितना 6 16, बढ़िया आ रहा है ये 8/14
4/7 आ रहा लग रहा है, थीटा इज टैन बस 4 ऐसा, ठीक है ना। तो आज की कहानी यहाँ पे स्टॉप की जाती है, ठीक है ना। बाकी अब आप पूरी शीट पूरी तरीके से कर सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और उनके भी जो सवाल हैं वगैरह हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर अगले क्लास में कुछ सवाल लेंगे इस पर और फिर आगे मूव करेंगे सर्कल की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, ध्यान रखिए तब तक अपना सब लोग।